दोस्तों नमस्कार। अगर आपने बुलेट स्टेक को अपने पीसी या लैपटॉप में डाउनलोड किया हो, इंस्टॉल किया हो, अगर आपने बुलेट स्टेक को ओपन करने जा रहे हो तो बुलेट स्टेक को ओपन नहीं हो रहा है। रिव्यू द फ्रीक्वेंसी ऐसा कुछ ऑप्शन दिखा रहा है और क्रॉस में क्लिक करते ही यहाँ पर टोटली बुलेट स्टेक से बाहर आ जा रहे हो, मतलब बुलेट स्टेक ओपन ही नहीं हो रहा है। बुलेट स्टेक को ओपन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल बताऊंगा। प्रैक्टिकली भी मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा तो कैसे अपने बुलेट स्टेक को ओपन प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राकेश, आप देख रहे हैं स्टार्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बुलेट स्टेक जो कि ओपन प्रॉब्लम ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये तो एक विंडोज का सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल करने के बाद ही तो ओपन हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ओपन नहीं होता है। ओपन इसलिए नहीं होता है क्योंकि बुलेट स्टेक क्यों हम डाउनलोड करते हैं, एंड्रॉइड का जो ऐप है उसको हम चलाने के लिए पीसी या लैपटॉप में जो बुलेट स्टेक को डाउनलोड करते हैं। जैसे गेम हो गया, फ्री फायर गेम या तो कोई भी अदर्स गेम, हम जो कि डायरेक्टली तो हम पीसी या लैपटॉप से चला नहीं सकते, तो बुलेट स्टेक की मदद से हम चला सकते हैं। बुलेट स्टेक बहुत एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। तो गाइस इसमें आपको विंडोज में कुछ एक सेटिंग है, सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। उसी सेटिंग को मतलब सिर्फ एक बॉक्स है, उसी बॉक्स में टिक मार्क लगा हुआ रहता है, उसको अनटिक करके सिर्फ ओके में क्लिक करना है और पीसी को रीस्टार्ट करना है, बस आप बुलेट स्टेक ओपन हो जाएगा, प्रॉपरली वर्क करेगा। तो वो यहाँ पर आपको अगर आप देखाएंगे इसी साइट से भी बोला जाता है, बुलेट स्टेक के यहाँ पर साइट से भी बोला जाता है कि आपको क्या क्या करना है। अगर मैं यहाँ पर रिव्यू द फ्रीक्वेंसी में अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर उनका जो सोल्यूशन ऑप्शन है, सोल्यूशन जो पेज है, इसी पेज ऑप्शन में आपको लेके आएगा। अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो ये बोलेगा कि आपने जैसे ही आपने इसको डाउनलोड कर लेते हो, इंस्टॉल कर लेते हो, ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोग्राम पे आपको आ जाना है, जो कि कंट्रोल पैनल होता है अपने पीसी या लैपटॉप का, कंट्रोल पैनल पे आ जाना है और ट्रान विंडोज फ्यूचर ऑन और ऑफ ये जो ऑप्शन है इसमें आपको आ जाना है। तो यहाँ पर कह रहा है, तो और क्या कह रहा है मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर नीचे आपको हाइपर वी ऑप्शन को अनटिक करना है, इसके बाद विंडोज हाइपर प्लेटफॉर्म इसको भी अनटिक करना है, कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन है इसको अनटिक करना है यहाँ पर, इसके बाद एक बार रीसेट करना है, तब जाके आपके ये जो सिस्टम है टोटली बुलेट स्टेक है वर्क करेगा, ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकली मैं करने वाला हूँ, यहाँ पर साइट पर तो यहाँ पर वो दिखा रहा है, लेकिन मैं टोटली प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे आपको करना है। तो आपको सिंपली अपने पीसी या लैपटॉप का यहाँ पर जो सर्च बार है, टाइप हरी टू सर्च, यहाँ पर आपको सर्च करना है ट्रान विंडोज फ्यूचर ऑन ऑफ, ठीक है। ऐसे जैसे अपने सर्च करेंगे डायरेक्टली अपने ट्रान विंडोज फ्यूचर यहाँ इसी ऑप्शन में आ जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा हाइपर भी, इसको आपको अनटिक करना है और जो जो वहाँ पर बोला था वही आपको अनटिक करना है। अगर आपके डायरेक्टली ट्रान ऑफ विंडोज फ्यूचर यहाँ पर नीचे अगर अपने टाइप हरी पर सर्च करके नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर सर्च कीजिए कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा, कंट्रोल पैनल पे ओके आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोग्राम को बोल के जो ऑप्शन है, प्रोग्राम ऑप्शन में आपको आ जाना है और प्रोग्राम ऑप्शन पे भी आप यहाँ पर ऊपर में देख सकते हो ट्रान विंडोज फ्यूचर ऑन और ऑफ, इसमें भी आप टच करेंगे तब भी ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो सेटिंग है इसी सेटिंग में आपको आ जाना है। आखिर बात करें इसमें आपको कौन सा जो सेटिंग आपको चेंजिंग डालना है दोस्तों, अगर यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, उसके बाद और भी एक जरूरी मैं आपके साथ बात बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर हाइपर वी को मैंने अनटिक किया हूँ, ये जो सेटिंग है। इसके बाद यहाँ पर और क्या सेटिंग बोला है नीचे, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर वर्चुअल एंड मेसिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर बोला है अनटिक करने के लिए, उसके बाद विंडोज हाइपर प्लेटफॉर्म इसको भी अनटिक करने के लिए बोला है, और यहाँ पर विंडोज सैंड बॉक्स इसको भी अनटिक करने के लिए बोला है, और उसके बाद विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स इसको भी तो ऑलरेडी अनटिक है ही, ठीक है। और आपको यहाँ पर फिर भी डाउट हो रहा है तो सिंपली आपको एक बार यहाँ पर बुलेट स्टेक ओपन कर दीजिए और रिव्यू फ्रीक्वेंसी पे एक बार आइए और यहाँ पर सॉल्यूशन में आके नीचे एक बार आप कन्फर्म हो जाइए इस कि आपको क्या क्या बोला है। यहाँ पर हाइपर वी अनटिक और इसके बाद नीचे विंडोज हाइपर वी प्लेटफॉर्म इसको भी अनटिक, विंडोज साउंड बॉक्स इसको भी अनटिक, और इसके बाद वर्चुअल मेसिंग प्लेटफॉर्म इसको भी अनटिक, और इसके बाद विंडोज सब्सक्रिप्शन लिनक्स इसको भी अनटिक, उसके बाद ओके में क्लिक करना है और एक बार रीसेट करना है, बस हो जाएगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पर ओके में क्लिक कर देता हूँ और देख सकते हो यहाँ पर जो सर्चिंग हो रहा है, और इसके बाद सिंपली हम रीसेट भी कर दूंगा गाइस। तो अभी अगर बात करें कि देखो यहाँ पर तो अभी ये टोटली हो गया, अभी रीसेट कर लेता हूँ, तो दोस्तों रीसेट कर देता हूँ, चलो ठीक है।
तो दोस्तों अगर बात करें ये मुझे सेटिंग को चेंज करना चाहिए या नहीं चाहिए, देखिए दोस्तों अगर आप मुझे जो एंड्रॉयड का जो ऐप है उसको आप मुझे अगर पीसी लैपटॉप में चलाना है तो ये तो जो सेटिंग है उसको तो चेंज करना है। अगर बात करें कोई भी प्रॉब्लम की, दोस्तों प्रॉब्लम अगर आप मुझे पर्सनल बोलेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो दोस्तों देखिए मैं बहुत दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को अभी तक भी कोई भी प्रॉब्लम मेरे को फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन ये हुआ है कि जो एंड्रॉयड का जो गेम है अपने पीसी लैपटॉप में बुलिस्टिक मोसर, ये सेटिंग को ऑन करने के बाद ये चल जाता है, ठीक है, बहुत ही आराम से ये चल गया। अपने फ्री फायर मैक्स गेम भी हमने खेला, काफ़ी आराम से खेलना हो जा रहा है, ठीक है, तो ये हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम की बात करें, कोई भी प्रॉब्लम अभी तक भी मैंने फेस नहीं किया हूँ, और बात करके इसमें कोई रिस्क तो नहीं है, तो गाइस मैं वो भी आपको बताता हूँ, रुको मैं ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए उससे हम तो प्ले स्टोर से कोई भी ऐप हम डाउनलोड कर लेते हैं, मेरा कहना ये है आप उसी ऐप को आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल कीजिए, जो चाहे पीसी चाहे मोबाइल आप उसी ऐप को अपने डिवाइस में आप इंस्टॉल कीजिए जिस ऐप को आप पहचानते हैं, उसका अच्छा खासा रिव्यू है, अच्छा है, विश्वास कर सकते हो। अगर आप गेम खेलना चाहते हो जो भी पॉपुलर है, मतलब सभी लोग यूज़ कर रहा है, मतलब अच्छा है, तो उसको यूज़ कीजिए, तब ठीक है, मैं तो आपको यही कहूँगा। तो यही है मेरा बात, अगर आपको पीसी जैसा है वैसे ही आपको रखना है तो वही आपको जो भी अपने टिक मार्क आपने लगाया हो उसी टिक मार्क को जो अनटिक हमने किया हो उसको फिर से दोबारा टिक मार्क लगा दीजिए, उसके बाद सिंपली ओके में सिलेक्ट कीजिए और चेंज हो जाएगा। उसके बाद एक बार रीसेट कर लीजिए पीसी को, फिर से आपको दोबारा जैसा सेटिंग था वैसे ही हो जाएगा। तो लेकिन फिलहाल मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, मैं एंड्रॉयड का जो ऐप है वो मैं अपने पीसी या लैपटॉप में चलाऊँगा, तो इसके लिए मैं वही सेटिंग जैसे था वैसे मैंने किया चेंजिंग किया हूँ तो वही रखूँगा। तो ऑलरेडी मेरे रीसेट भी हो चुका है, तो अभी मैं बुलेस्टॉक को यहाँ से ओपन करूँगा। मैं यहाँ पर बुलेस्टॉक को ओपन कर लेता हूँ, तो बुलेस्टॉक को जैसे मैं यहाँ पर ओपन में क्लिक किया हूँ, यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर पहले यहाँ पर जो एरर आ रहा था, ठीक है, वो एरर यहाँ पर हट गया है। अभी मैं इसको फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ, इसको मैं फुल स्क्रीन कर दिया हूँ, गिफ्ट कार्ड ये सब दिखा रहा है। तो देखिए कुछ इस तरह से काफ़ी आराम से अपने बुलेस्टॉक अगर अपने पीसी या लैपटॉप में ओपन प्रॉब्लम हो रहा है तो ओपन प्रॉब्लम कुछ इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो अभी देख सकते हो फाइनली यहाँ पर बुलेस्टॉक ओपन हो चुका है, और यहाँ पर पहले ऐसा सीन नहीं आ रहा था। अभी देखो यहाँ पर नीचे इस साइड में प्ले स्टोर भी दिखा रहा है, तो प्ले स्टोर में मैं टच करता हूँ। यहाँ प्ले स्टोर में फर्स्ट टाइम आपको साइनअप करना होता है, तो फटाफट मैं एक जीमेल आईडी से साइनअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं गेम को काफ़ी आराम से डाउनलोड कर सकता हूँ। फाइनली यहाँ पर जो मैंने लॉगिन कर चुका हूँ, यहाँ पर एग्री में क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर एक्सेप्ट में कर देता हूँ। तो अभी फाइनली देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको नो कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो प्ले स्टोर जैसे ही अपने मोबाइल पे जैसे ओपन होता है वैसे ही यहाँ पर प्ले स्टोर भी अपने पीसी में ओपन हो चुका है। पर देखो मैं फ्री फायर मैक्स गेम को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ, चलो। तो दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ से बैक कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपके पीसी या लैपटॉप में बुलेस्टॉक को ओपन प्रॉब्लम हो रहा है, डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन ओपन ही नहीं हो रहा है, तो गाइस इस तरह से बहुत ही आराम से अपने आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने प्रैक्टिकली मैं आपको बताया और सारा चीज़ मैं आपको बताया, मेरे एक्सपीरियंस से मैं जो भी हो सके मैं आपके साथ शेयर किया हो। तो गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आगे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साइन बेल आइकन को दबा दीजिए, जब भी नया वीडियो अपलोड हो चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।